हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग गेज। और आज आप लोगों को लग रहा होगा कि आज वॉइस ओवर किसकी है, तो ये मैं कर रही हूँ, हर्षी सिंह की सिस्टर। और जैसा कि ये अपने फेस पे वॉट एवर क्या लगा रही है, और ये अपना इसने वाइट वो मॉइस्चराइज़र करा, अपनी स्किन प्रेप कर रही है। पहले प्राइमर लगा रही है, और इसके बाद ये लगा रही है कंसीलर। ये शेड आई डोंट नो क्या है, बट ये लगा रही है। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हाँ। और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको जब भी इसकी वीडियो डले न्यू वीडियो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रमोट तो नहीं करना था पहले। इट्स ओके, हमने कर दिया। तो बता मैंने क्या किया। तो ये इसने लगाया है कंसीलर अपने डार्क पोर्स पे, एंड कलर करेक्टिंग कर रही है आई थिंक ये। हाँ, एंड ये आई डोंट नो ब्राउनजर लगाया शायद ना। अब इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करो, जब वो पूरा ब्लेंड हो जाए उसके बाद हम दूसरा प्रोडक्ट लगाएंगे। ये लगाया इसने कलर करेक्टर, जो कि है शेड, ये जो दिख रहा है आपको ये शेड इसने लगाया है। और इसको अपनी, मतलब ये भी आपको कलर करेक्टर है, आप लोग अपनी स्किन को इवन देख कर सकते हो इससे। तो मुझे इतना पता नहीं है मेकअप के बारे में, बस मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। और ये आपको मतलब करते रहना है, आपको मतलब हाई पॉइंट्स एरिया पे आप लोगों को ये लगाना है। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है कि ये ऑड इवन ना लगे, पूरा प्रॉपर आपका बेस जो है इवन बने। तो आपको अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करना है। और अभी इसको आप ब्लेंड करो, अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, उसके बाद आपने लगाना है जो भी नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा। अब ये लगाना है ब्राउनजर, वैसे तो कंसीलर होता है, कंटोरिंग स्टिक है ये, कंटोरिंग करने के लिए। ब्राउन शेड है, डार्क ब्राउन आई थिंक। और ब्रांड पता, ब्रांड ब्लू हेवन का ब्रांड का ही है। और उसके बाद आपको लगाना है, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना। और ये दूसरा शेड है, दूसरी ब्रांड का वो है कंटोरिंग स्टिक। ओह गॉड। एंड मैंने क्या किया नोज पे, क्या किया ये नोज पे, आपको नोज अपनी शार्प बनानी है तो आप ये नोज पे लगा सकते हो। हाँ। है ना। हाँ। फिर उसके बाद ये अपने चीक्स को अगर आपको थोड़ा सा स्लिम करना हो तो आप लगा सकते हो। ये है रेड ब्लश, जो कि यूज़ कर लिए, लिपचिक टिंट है आई थिंक ये। हाँ हाँ, तो मैंने सही गेस किया है, तो ये लिपचिक टिंट करती है। हाँ, तो ये आप लगा सकते हो अपना ब्लश ब्लश एरिया पे। हाँ। और नोज पे एंड लिप्स पे और चिन पे, आप आईज पे एज आई शेडो भी इसको यूज कर सकते हो। हाँ, तो आप इसको क्या कर रहे हैं, पाउडरिंग कर रहे हैं बेकिंग पाउडरिंग कर रहे हैं। NYB का मैंने पाउडर यूज़ किया था। अब मुझे इतने प्रोडक्ट्स नहीं पता है, तो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है। नहीं है। हाँ, मैं मुआ नहीं हूँ, मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं ऐसे मुआ मैं हूँ मैं। तो ये वो होता है, ये क्या होता फाउंडेशन है? क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ओह माय गॉड, क्या रही हूँ। ये कट क्रीज कर रही है आई थिंक। कट क्रीज नहीं, आईलिड को प्रेप कर रही है। हाँ, आईलिड को प्रेप कर रही है ये। इसने सबसे पहले वो लगाया है लिक्विड स्टिक कंसीलर, है ना। लिक्विड कंसीलर, ओके, लिक्विड कंसीलर इसने अपनी आईज पे लगाया है, देन उसको ब्लेंड किया है। अपने दोनों आईज पे लगाना है, एक पे नहीं लगाना है। फिर इसने रेनबो आई शेडो दिया आई थिंक। और ये क्लिप डिलीट हो गई थी, मैं बता दूँ आपको। हाँ, तो ये क्लिप डिलीट हो गई थी, तो आई शेडो वाली क्लिप नहीं था। और इसने व्हाइट आई लाइनर यूज़ किया है, और अच्छी तरीके से अपनी आईब्रोज को सेट किया है, जो कि फिल की है, आईब्रो फिल की है। ओके, देन ये हम लोग करेंगे ब्लश, पाउडर ब्लश। तो इसने दो तीन कलर को मिक्स की करके किया है, और अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, लगने चाहिए लाल का टमाटर की तरह। और ये जो हेयर स्टाइल बनाया है बहुत इजी सा है, आप लोग बना सकते हो, बहुत इजी है। और ये आ गया है फाइनल लुक। हमने न्यूड कलर की लिपस्टिक ली है, शेड डार्क ब्राउन शेड है। बाय बाय।